नमस्कार। लोकसभा की 543 सीटों पर जो नया सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, इस हिसाब से किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, क्योंकि एनडीए ने 300 प्लस सीटों का यहां पर दावा कर दिया है, तो किसके दावे में कितना दम दिखता है, विपक्ष का एक साथ यहां पर खड़ा दिखाई देगा क्या, 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी रही है, शिवसेना यहाँ पर बिखर चुकी है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण जो नया सर्वे यहाँ पर निकलकर आ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना अब टूट चुकी है। शिवसेना की हालांकि कुछ विधायक और सांसद अभी भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ है, यूपीए में शामिल हो जाते हैं, तो फिर क्या तस्वीर बनती है। इसके अलावा इसमें अगर बात की जाए तो आरजेडी है, यहाँ पर बात की जाए तो जिस कार से यहाँ पर यूपी के लिए यहाँ पर कह सकते अखिलेश यादव है, यहाँ पर जो अन्य दक्षिणी जो यहाँ पर क्षेत्र है उसके लिए अगर विपक्ष साथ आता है तो फिर क्या तस्वीर बन सकती है। लोकसभा की 543 सीटों पर अगर बात की जाए तो आज जो स्थिति में यहाँ पर बीजेपी दिखाई दे रही है, 18 राज्यों में बीजेपी अपने दम पर और यहाँ पर सहयोगी के साथ सरकार में है, जबकि कांग्रेस को बड़ा झटका महाराष्ट्र में लग गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार बिखर चुकी है, जबकि बीजेपी शिंदे गुट के साथ सरकार में है, तो एक और राज्य में यहाँ पर कांग्रेस को झटका रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी दो राज्यों पर काबिज हो चुकी है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और यहाँ पर जो दक्षिणी यहाँ पर राज्य रहे हैं इनकी सरकारें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दक्षिण राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ पर काफी बड़ा वर्चस्व नहीं है, केवल यहाँ पर कुछ ही विधायक और सांसद रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी यहाँ पर बड़ा खेल कर पाएगी, जिस कार की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर जो है बड़ा यहाँ पर ऐलान किया है दक्षिणी यहाँ पर राज्यों को लेकर, तो क्या यहाँ से शुरुआत होगी, क्योंकि हिंदुत्व के सहारे क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी। आइए जानते हैं नए सर्वे के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। 543 सीटों में से 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है तो क्या एनडीए के पास फिर से बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, या फिर यूपी प्लस अन्य मिलकर यहाँ पर वापसी के दरवाजे खोल पाएंगे, इसको लेकर आपको सभी राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी प्लस के लिए 10 सीटें जा सकती है, यूपी के खाते में 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट यहां पर आ सकती है। पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को टक्कर दी है, हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी यहाँ पर भी जो है करीब 75 सीटों पर जीती है। इसके अलावा लोकसभा में भी यहाँ पर काफी बड़ा बवाल देखने को मिला था, इस हिसाब से बीजेपी 20 प्लस, अन्य की बात की जाए तो अन्य में जिसमें तृणमूल कांग्रेस है 20 सीटें, जबकि 2 सीटें यूपीए अन्य के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है, जो पश्चिम बंगाल को लेकर आंकड़े रह सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा की 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हरियाणा की 10 सीट में बीजेपी 4 सीटों पर, जबकि यूपीए के पक्ष में 6 सीटें जा सकती हैं, क्योंकि हरियाणा में जिस कार से यहाँ पर बड़ा लटपेट देखने को मिला था, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का भी असर यहाँ पर देखने को मिला था, इस हिसाब से कुछ न कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी बड़ा यहाँ पर जो है बीजेपी का पहाड़ी हो सकता है। केरल की 20 सीटें, यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी प्लस के लिए 7 सीटें जो कि गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, जबकि यूपी के पक्ष में 13 सीटें यहाँ पर आ सकती है, 20 सीटों की जो आंकड़े रह सकते हैं। तमिलनाडु को 39 सीटें में से बीजेपी प्लस के लिए 20 सीटें, जबकि यूपी के पक्ष में 10 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 9 सीटें यहाँ पर आ सकती हैं, जो कि यहाँ पर बड़ा उलटपी देखने को मिला है। जबकि दिल्ली की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो 7 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी कब्जा समा सकती है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और एक बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने यहाँ पर फिर से जीत हासिल की है, तो क्या एक बार फिर से लोकसभा की 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी 15 सीटें, जबकि यहाँ पर बात की जाए यूपी प्लस के लिए 7 सीटें, आने की बात की जाए 3 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं, यहाँ पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान की 25 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि 25 सीटों में जिस प्रकार से बीजेपी यहाँ पर 20 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि यूपी के पक्ष में 4 सीटें आने की बात की जाए तो 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सरकार बना ली है, हालांकि हाल ही में जो है यहाँ पर एक सीट पर जो चुनाव था उस पर यहाँ पर जो है संगरूर लोकसभा सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी हार गई है, तो क्या आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लगेगा, बीजेपी अपनी यहाँ पर का बढ़ा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल ने यहाँ पर सीट हासिल की है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी 3 सीटों पर, जबकि यहाँ पर यूपीए प्लस अन्य मिलाकर यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें बीजेपी 8 सीटों पर, 3 सीटें जहां पर यूपीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि पुडुचेरी की 1 सीट पर यूपीए कब्जा समा सकता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी 10, जबकि यूपीए के पास यहां पर 4 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर काफी बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार में थी, लेकिन उसमें भी बड़ा बवाल हो गया है। अब महाराष्ट्र के लिए अगर बात की जाए तो विधायक यहाँ पर बिखर गए हैं, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर सांसद हैं
अब वो किसके पक्ष में जाते हैं, क्या सिंडिकेट के साथ जाते हैं पर उद्धव ठाकरे के साथ रहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस हिसाब से महाराष्ट्र में फिलहाल यहाँ पर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सबके आंकड़े बन सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों में बड़ा उलटफेर होगा क्योंकि महाराष्ट्र में खलबली यहाँ पर देखने को मिल रही, प्लस बीजेपी 15 जबकि यूपी के पक्ष में जो 33 सीटें जा रही थी अब उनमें यहाँ पर उलटफेर हो रहा है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी प्लस सिंधे गुट का जो आंकड़ा है वो 33 तक पहुंचेगा, जबकि अन्य के पक्ष में यहाँ पर यूपी के पक्ष में 15 सीटें आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो मामला है जो अब सरकार बदल गई है तो यहाँ पर काफी उलटफेर आप देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्नाटक के 28 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 21 सीट है, जबकि यूपी के पक्ष में 7 सीटें यहाँ पर आ सकती है, जबकि उड़ीसा की 21 सीटों में से बीजेपी 10 सीटों पर, जबकि यूपी के पास जो है 5 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 6 सीटें आ सकती है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी 25 सीटें हैं, जबकि यूपी के खाते में 4 लोकसभा सीटें आ सकती हैं, जबकि मणिपुर की दोनों सीटों पर एक एक सीट पर यहाँ पर यूपीए प्लस एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, क्योंकि हाल ही में 2 सीटें ऐसी रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है और यहाँ पर वो सीटें हासिल की है जो कि समाजवादी पार्टी का किला था। इस हिसाब से बीजेपी प्लस को यहाँ पर 75 प्लस सीटें जा सकती है जो आंकड़ा यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो यूपी के पक्ष में यहाँ पर 2 सीटें, अन्य के समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी को 8 सीटें जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी 75 प्लस सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हासिल कर सकती है और ये माना जाता है कि जिसकी यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर सांसद जीतते हैं उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है केंद्र की ओर रास्ता। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव भी जीती है, एक बड़े मार्जिन से जीती है, हाल ही में 2 लोकसभा सीटों पर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और उत्तर प्रदेश से तय होने वाला है लोकसभा के लिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, 1 सीट यूपी के पक्ष में जा सकती है, गुजरात की 26 सीटों पर, सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर बीजेपी जीत रही है, मेघालय की दोनों सीटों की अगर बात की जाए बीजेपी यूपीए के पक्ष में 1-1 सीट यहाँ पर बढ़ सकती है, अगर बात की जाए मिजोरम की 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी बीजेपी कब्जा जमा सकती है, नागालैंड की 1 सीट पर यूपीए का पलड़ा भारी हो सकता है, जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण जाती हैं। यहाँ पर हाल ही में जो निकाय चुनाव रिजल्ट रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर उभर कर सामने आई थी, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जबकि यूपी प्लस अन्य के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है, जो कि गुप्कार गठबंधन है उसको यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट यूपी के पक्ष में जा सकती है, सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, बिहार की 40 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब बिहार के लिए अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार प्लस यहाँ पर बीजेपी गठबंधन में है और इस हिसाब से बीजेपी को 30 सीटें जबकि यूपी प्लस अन्य के पक्ष में 10 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। अगर बात की जाए गोवा की 2 सीटों पर तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, इसके अलावा बात की जाए तो दमन और दीप की 1 सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, दादर नगर हवेली की 1 सीट पर भी बीजेपी कब्जा जमा सकती है, तेलंगाना की 17 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8 जबकि यूपी प्लस अन्य के पक्ष में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। त्रिपुरा की 2 सीटों में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी प्लस यूपी के पक्ष में 1-1 सीट जा सकती है और अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कब्जा जमाती नजर आ रही है, चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इस हिसाब से सभी 543 सीटों पर जो इस स्थिति में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यदि आज चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए जो गठबंधन है 300 प्लस सीटें यहां पर हासिल कर सकती है, जो दावा यहां पर किया गया है, यहां पर जो नया सर्वे निकल कर आ रहा है उस हिसाब से एनडीए के पक्ष में 310 सीटें प्लस जा सकती हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए इस वक्त चुनाव लोकसभा के लिए तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है, इसमें और सीटें जुड़ सकती हैं क्योंकि महाराष्ट्र के लिए जो आंकड़ा बना है उसमें यहाँ पर उलटफेर होता नजर आ रहा है। प्लस यूपी की बात की जाए तो यूपी को यहाँ पर 137 प्लस माइनस सीटें हो सकती है, कुछ सीटें उनकी घट सकती है क्योंकि चुनाव यहाँ पर जो है टूट चुकी है, महाराष्ट्र में झटका लग चुका है। इसके अलावा अन्य की बात की जाए तो 96 प्लस माइनस हो सकती है, तो ये महाराष्ट्र यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस कार से यहाँ पर नए आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, यानी सभी 543 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से एनडीए ने मोदी सरकार दोबारा से 2024 में सरकार बना सकती है, यहाँ पर हैट्रिक की तरफ बढ़ सकती है, ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर यूपीए प्लस अन्य जो दावा कर रहा है कि इस बार वो प्रधानमंत्री मोदी जी को हरा देंगे, तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।